भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कर मंदिर विच आरती जय मां, हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 2 अप्रैल 2022। तो जी हाँ, आज से शुरू हो रहे हैं चैत्र मास के नवरात्रे। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को बहुत सारी खुशियां दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और ज़िंदगी में आप सभी को बहुत सारी खुशियां मिलें। तो जैसे कि आज से है नवरात्रे और कल 1 अप्रैल से शुरू हो गया था जो हिंदू नववर्ष है, वो शुरू हुआ है क्योंकि जो और इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से तो 1 जैन को होता है, लेकिन जो हिंदू नववर्ष है वो कल से 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो सभी हिंदुओं को और सभी को जो नववर्ष है वो भी बहुत बहुत मुबारक हो। सो फ्रेंड्स, रात अभी देखिए, सॉरी रात नहीं, सुबह के अभी इस वक्त 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हो कि यहाँ पे धूप कितनी ज़्यादा हो गई है। देखिए, ये हमारे हाउस का बैक एरिया है और यहाँ पे धूप देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। तो जिस धूप के लिए हम इतना तरसते थे सर्दियों में कि धूप आएगी तो हम बैठेंगे, बट धूप आती नहीं थी, वही धूप आज देखिए 9 बजे इतनी ज़्यादा आ गई है, बट हमें उसकी क्या है कि ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ सीखना चाहिए आई थिंक कि जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब वही चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यही ज़िंदगी है। सो गाइज, आज का जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए व्लॉग में। सो गाइज, हम लोग अभी कार में हैं और बस पार्किंग में कार रोक रहे हैं क्योंकि हमें जाना है बच्चों की स्कूल की शॉपिंग के लिए, बुक्स के लिए। तो बस हम जा रहे हैं और बच्चों की जो शॉपिंग है वो कर रहे हैं। Seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago, I've changed for the... अरे कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। खालो तुमने? आबो खालो, क्यों मम्मू खाएगी बोल दो। हाँ बोल देना। Some things are not the same as they were a year ago,
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. सो गाइस, जो सामान था वो हमने सारा ले लिया है. बच्चों की बुक्स हो गई और कपड़े हो गए, ड्रेसेस, शूज़, वो सब हमने ले लिया है और बस अब हम घर जा रहे हैं. और बाय गॉड, इतना सारा खर्चा हो गया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, है ना बच्चों? हाँ जी. आजकल के टाइम में ना सच में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक्स्ट्रा हम लगा थोड़ा थोड़ा करते करते भी ना इतना ज़्यादा खर्चा हो गया ना. और अभी तो जो अप्रैल की फीस है वो भी है, उसके बाद बुक्स, ड्रेसेस हो गई, वो सब करते करते इतना ज़्यादा खर्चा हो गया ना. तो सच में कि जैसे हम लोगों को भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे सब कुछ मैनेज करें. तो बेचारे जो थोड़ा सा होता है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं होती, उनको कितना मुश्किल होता होगा. तो सच में आज के टाइम में जो बच्चों को पढ़ाना है ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है पेरेंट्स के लिए. बोलते ना, एक चैलेंजिंग है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन देना. बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही बच्चों की फ्यूचर के लिए. अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तभी बच्चे कुछ बनेंगे. अनु बाबू जी, अब पापा का तुमने सारा खर्चा करा दिया, पढ़ना पड़ेगा. हाँ जी, हाँ जी पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, खूब पढ़ना पड़ेगा. पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे. अच्छा, क्या 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 बनेंगे? अच्छा बताओ, पढ़े होके. मैं डॉक्टर, डॉक्टर, फौजी. और राशि? एयरफोर्स. और मैं कैप्टन. सो गाइस, ये देखिए, ये है आज की बच्चों की शॉपिंग. तो बच्चों का स्कूल है 4 तारीख से, और इसलिए आज हमने ये सारी बच्चों की शॉपिंग की. ये देखिए, बुक्स है, वो ड्रेसेस हैं, ये टाई बेल्ट, टिफ़िन, क्योंकि 2 साल हो गए हैं बच्चों को स्कूल नहीं गए हुए, तो फिर जो पुरानी चीज़ें थी वो सब पुरानी ही हो गई हैं. तो ये देखिए, ये बुक्स हैं, वो नोटबुक्स हैं सारी, और यहाँ पे बैग्स. तो जो राशि का बैग था वो तो न्यू ही था, बट अनु बाबू का बैग था वो बहुत छोटा था, क्योंकि वो नर्सरी में थे उस टाइम पे, तो बहुत छोटे थे. तो ये देखिए, ये अनु बाबू का बैग लिया, वो बेल्ट, वहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये ड्रेसेस, ये बॉटल और ये शू. तो तीनों बच्चों के शू डबल डबल लेने पड़ते हैं, क्योंकि ब्लैक भी चाहिए और वाइट भी चाहिए. और ये हैंकी और मास्क, मास्क भी वेयर करना बहुत ज़रूरी है. ये सॉक्स वगैरह सारी जो भी चाहिए स्कूल में. तो जैसे कि मैं, हमारे तीन हैं, तीन बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों का फिर सब कुछ सामान आता है. बल्कि ये है कि थोड़ा राशि का तो जो पहले से था वो है अभी कुछ ठीक, और कुछ बट अनु बाबू का तो सब कुछ न्यू ही लेना पड़ा. और वहाँ पर मेरे हस्बैंड का जो है बीपी वो बढ़ गया है खर्चा देखकर, है ना? बीपी बढ़ गया, लो हो गया. बीपी बढ़ गया आपका? लो हो गया. टेंशन में? लो. खर्चा देखकर वहाँ वो टेंशन हो गया तो बीपी लो हो गया. वैसे तो बीपी हाई का प्रॉब्लम है, टेंशन होगी. हेलो, टेंशन होगी? क्या टेंशन है, बच्चे की पढ़ाई के लिए है, टेंशन थोड़ी ना होती है. हाँ वो तो है. और आप क्या बोल रही है कान में? आप बड़ा प्यार है पापा के ऊपर. सो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और 8 बजने वाले हैं, और आज है हमारा व्रत. तो आज है मम्मी का, मेरा और मेरे हस्बैंड, हम तीनों का व्रत है आज. तो दिन भर का आज करते करते काफ़ी थकान जैसी भी हो रही है, और बस अब व्रत खोलने की तैयारी कर रहे हैं. और आज हमारे घर के पास ही एक मंदिर है, काली माता जी का मंदिर, वहाँ भी जागरण है, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ भी जाना होगा. तो मेरे हस्बैंड जब फास्ट रखते हैं ना, तो उनको उस टाइम पे आलू का पराठा बड़ा पसंद आता है, तो उन्होंने स्पेशल डिमांड किया कि उनके लिए बनाना आलू का पराठा. तो ये देखिए, आज डिनर में है आलू का पराठा, रायता, लौकी की सब्जी और सैलेड. हाँ बेटा, रायता है. तो देखिए, बना रही हूँ मैं पराठे और खाना बना रही हूँ, और सबसे पहले उनको दे देती हूँ क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. सो गाइज, हमारा जो डिनर है वो हो गया है और पूजा भी हमने कर ली है. तो रात के बज रहे हैं इस वक्त 10, और हम लोग जा रहे हैं जागरण में. तो हमारे पड़ोस में ही जो मंदिर है वहाँ पर आज जागरण है. तो वैसे तो अभी बहुत नींद आ रही है, लेकिन थोड़ी देर जाके आते हैं. तो जैसा भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए ब्लॉग में. हेलो मैडम, जय माता की. क्यों हटा लाइट? अच्छा, लाइट.
सो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर है जागरण, ये बिल्कुल रोड हेड में है और हमारे घर से थोड़ा ही पास है, ज्यादा दूर नहीं है। देखिए ये है काली माता का मंदिर। आज बच्चों रोड क्रॉस करो। शकल दीप मा आज्ञा परमेश्वरी महारानी तेरे गाजे बाजे दी अरदास के बाजा बजदा रहेगा नैन निमाणा धर्म का द्वारा झूलेगी ध्वजा बाजेगा नगाड़ा हे महारानी तुम्हें सत सत हो न्यारा सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके ते शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते ज्योता वाली माता तेरी सारी है। सो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं इस वक्त 1 और हम जस्ट ही अभी घर में आए और मैं और आबू ही आए अभी, मम्मी और राशि वगैरह सब जागरण में ही है तो मुझे नींद आ रही थी और मुझे काम भी था कल, फिर इस वजह से मैं रात को आ गई और हंसी हमारे घर के पास ही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, तो अगर आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता दी।